अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम टू उर्दू गर्ल्स। व्यूवर्स, आज मैं आपको सिखाने वाली हूँ 5 to 6 ईयर बेबी के लिए कॉलर लगाने का कंप्लीट तरीका। तो पहले हम फ्रॉक की अपर बॉडी की कटिंग करेंगे। इसके लिए कपड़े को फैलाकर लंबाई में रखें, किनारी वाली साइड अपनी तरफ करें और फ्रॉक से मेजरमेंट्स करें। व्यूवर्स, फ्रॉक की अपर बॉडी की लंबाई थोड़ी ज़्यादा रखते हुए मैं 10.5 इंच लूँगी। अब कपड़े पर 1 इंच पर एक मार्क करें, सिलाई की गुंजाइश रखते हुए 11 इंच पर मार्क करें। कपड़े को चौड़ाई में रखें और चेस्ट से चौड़ाई मेजर करें, 14.5 इंच है। सिलाई के लिए 1.5 इंच पर एक मार्क लगाएं, दूसरी साइड से भी 1.5 इंच ज़्यादा रखते हुए 16 इंच पर मार्क करें। अब लंबाई और चौड़ाई की मार्किंग करके कट करें। व्यूवर्स, ख्याल रहे कि हम पहले बैक साइड की कटिंग करेंगे। अब लंबाई में डबल कर लें और बैक साइड को कपड़े पर फैलाएं। फ्रंट साइड बैक साइड से चौड़ाई में 3 इंच ज़्यादा मार्क करके कट करें। लंबाई में सेम कट करें। अब दोनों पीस अलग अलग लंबाई में फोल्ड करके रखें। फ्रंट साइड नीचे रखें और बैक साइड ऊपर। फ्रंट साइड का जितना हिस्सा एक्स्ट्रा है इस पर मार्किंग कर लें। शोल्डर मेजर करें, 11 इंच है, 6 इंच पर शोल्डर का मार्क लगाएं। व्यूवर्स, हम मार्किंग ऊपर वाले पीस के मुताबिक करेंगे। आर्म होल की लंबाई यहां से स्ट्रेट में मेजर करें, 5.5 इंच है। कपड़े पर 5.5 इंच के मुताबिक स्क्वायर बनाएं, गुलाई करें। अब चेस्ट का मार्क 14.5 इंच के मुताबिक 7.2 इंच का लगाएं। नीचे से 7 इंच पर मार्क करके मार्किंग अटैच कर लें। अब कटिंग करें। नीचे से तकरीबन 1/2 इंच के मुताबिक हल्की सी गोलाई कर लें। नेकलाइन की चौड़ाई 2.5 इंच लें और शोल्डर पर 1/2 इंच के मुताबिक तिरछा मार्क करके कट करें। ऊपर वाला पीस साइड पर कर दें और फ्रंट साइड की नेकलाइन की चौड़ाई 2.5 इंच मार्क करें। लंबाई 3 इंच लें और स्क्वायर बनाकर गोलाई करें और कट कर लें। सेंटर से दोनों पीस कट करें। आर्म होल की हल्की सी डीप मार्किंग करके कटिंग करें। बुकरम पर 1 इंच से भी थोड़ी कम पट्टी कट करें और फोल्डिंग की गुंजाइश रखकर दोनों साइड पर पेस्ट कर लें। अब इस तरह फोल्ड करके प्रेस करें। एक्स्ट्रा बुकरम कट कर दें। अब फोल्ड करते हुए सिलाई लगाएं। एक सिलाई किनारी पर लगा लें। दोनों साइड्स इसी तरह स्टिच करें। अब साइड से शोल्डर बराबर करते हुए स्टिच करें। फिटिंग की सिलाई लगाएं। अब इस सिलाई के साथ साथ बैक नेकलाइन का कट करें। दोनों साइड से शोल्डर की सिलाई भी हल्की सी तिरछी कट करें ताकि कॉलर लगाते वक्त खिंचाव ना आए। अब फ्रंट से बराबर रखकर पकड़ते हुए इस तरह इंचेस टेप सिलाई पर रखकर कॉलर की मेजरमेंट्स करें। हल्का हल्का गुलाई में लाते हुए मेजर करें। 6 इंच है, यानी टोटल कॉलर 12 इंच होगी। अब बुकरम को डबल करके रखें और 6 इंच पर मार्क करें। एक मार्क 7 इंच पर लगाएं। एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करें। अब इस लाइन के मुताबिक कॉलर की चौड़ाई 2.5 इंच रखें। यहाँ से कॉलर की तिरछी शेप दें और हल्की सी नीचे की तरफ गुलाई कर दें। नीचे से भी इसी तरह हल्की सी गुलाई कर दें और मार्किंग के मुताबिक कट कर दें। व्यूवर्स, आप इस शेप में भी कॉलर तैयार कर सकती हैं और अगर गोल शेप देना चाहें तो इस तरह कॉर्नर से गुलाई करके कट कर दें। अब एक्स्ट्रा कपड़ा डबल करके रखें और कपड़े की उल्टी साइड पर कॉलर पेस्ट करें। कटिंग करते हुए नीचे और साइड से सिलाई की गुंजाइश रखकर कट करें।
अब बुकरम वाली साइड पर बुकरम के बिल्कुल साथ साथ मार्किंग करें। ख्याल रखें कि मार्किंग बुकरम के ऊपर ना आए और प्रॉपर शेप में मार्किंग करें। अब लेस की सीधी साइड नीचे की तरफ करें और इस तरह अंदर की तरफ किनारी करते हुए मार्किंग के ऊपर रखकर लेस लगाएं। अब लेस वाली सिलाई के ऊपर सिलाई लगाती जाएं। हल्के कट्स लगाएं और कॉलर सीधी तरफ पलट लें। बुकरम वाली साइड ऊपर रखकर किनारी की सिलाई लगाएं। अब नीचे भी बुकरम के बिल्कुल साथ साथ मार्किंग करें और सिर्फ सिलाई की गुंजाइश रखकर बाकी कपड़ा कट कर दें। सेंटर में कट लगाएं, नेकलाइन फ्रंट से बराबर करें और सेंटर में कट लगाएं। बुकरम वाली साइड ऊपर रखें और कट बराबर रखकर स्टिच करें। कॉलर की सिलाई लगाते हुए शोल्डर की सिलाई फ्रंट साइड पर रखें। अब यहां से बैक होकर सिलाई लगाते हुए कॉलर की सिलाई कंप्लीट करें। अब कट्स लगाएं। 1 इंच चौड़ी अरे पट्टी कट करें। फ्रंट की तरफ फोल्ड करते हुए पहले वाली सिलाई के ऊपर ही सिलाई लगाएं। कॉलर में कट्स लगा लें। इस तरह एक सिलाई किनारी पर लगाएं। अब इस तरह फोल्ड करते हुए अंदर वाली सिलाई ऊपर की तरफ रखें और सिलाई लगाएं। व्यूवर्स, ये वाली सिलाई लगाते हुए ख्याल रखें कि नीचे वाले कपड़े में चुनट ना आए या कोई खिंचाव वगैरह ना आए। अब कॉलर को फ्रंट के मुताबिक बाहर की तरफ फोल्ड करें। पीछे से इस सिलाई तक फोल्ड करके प्रेस करें। व्यूअर्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करें, कमेंट्स करें और उर्दू गर्ल ज़रूर सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।